अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल? ठीक ठाक नाज़रीन। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट कई कई वजूहत होती हैं। निडर गैस भी हो सकता है, छोटी क्रैंक भी हो सकती है, शटर बक्स भी हो सकता है। इसकी शटर बक्स की सेटिंग ना ठीक से होना, फिर भी मशीन स्किप करती है, स्लाइड ठीक नहीं करती। देखने से पहले प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल का बटन लाजमी दबाया करें। देखें ये टांका तो ऊपर ही उठा लिया, सिलाई निकाली थी, कपड़ा भी खींच रही है। यानी कि एक टांका भी नहीं उठा रही, फिर की डब्बी का भी यानी कि बबन का वो भी धागा ऊपर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारा मकसद है कि आप अपनी मशीन घर में खुद ठीक कर सकें। हमारे चैनल बनाने का यही मकसद है। आपको कहीं शॉप पर लेकर जाने की जरूरत ना पड़े, कहीं शहर पर जाना पड़े, घर में बैठे खुद ही ठीक है। नाज़रीन, आप सबसे पहले क्या करें, देखेंगे इसके शटर बक्स में कोई प्रॉब्लम कोई मसला तो नहीं है। सबसे पहले उसको देखें, खिड़की डब्बी यानी कि बबल डब्बी का है, ये देखें। इसको जब टाँका लगे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जा रहा। ये फिर आपको दिखाते हैं, देखें देखें नाज़रीन, ये शटर पूरा इसका चक्कर नहीं आ रहा, आधे चक्कर में ही वापस चला जाता है। देखें ये देखें, इसका पूरा चक्कर आना चाहिए, ताकि ये बबन वाला धागा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा सिलाई के लिए। ये देखें, ये रास्ते में ही पीछे आ जाता है। देखें फिर देखते हैं, देखें स्किप कर रहा है। बबल डब्बी निकालनी है, डब्बी निकालें, फिर की डब्बी निकालने के बाद आपने फिर क्या करना है नाज़रीन, आपने ये देखना है कि आपका जो निडर गैस है वो ठीक लगा हुआ है, यानी कि ऊपर नीचे तो नहीं है। सबसे पहले आपने ये देखा शटर बक्स खोलने से पहले देख लेते हैं, यानी कि आपकी स्विच जो आ रही है नीचे ज़्यादा डाउन है या ज़्यादा अप है। देखें नाज़रीन, अगर आपकी निडर स्विच जो है ये देखें, ये ठीक लगी है, यानी कि ना ज़्यादा डाउन है तो ना ज़्यादा अप है, लेकिन गैस की टाइमिंग ठीक है आपकी, तो फिर शटर बक्स में मसला है, छोटी क्रैंक में मसला है, इन दोनों में मसला हो सकता है। यानी कि ये क्रैंक जो आ रही है इसमें मसला हो सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है नाज़रीन, ये दोनों पेज खोल लेने हैं, ये लूज करके देखना है। इधर हाथ रख के बक्स को उतारना है ताकि नीचे गिर ना जाए। नाज़रीन, हमने देखा है कि इस ये छोटी क्रैंक आ रही है, इसमें एक मसला आ रहा है, इसका टाइमर आउट है। निडर गैस भी ठीक है, शटर बक्स भी ठीक है, इसका टाइमर आउट हुआ है। तो हम बताएंगे आपको इसका शटर टाइमर क्या होता है या क्रैंक टाइमर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। जब आपने अपने व्हील को यानी कि सिलाई मशीन के व्हील को घुमाना है तो देखना है इसकी जो गेज है, इसका चक्कर है, इसका टाइमर क्या ठीक है, तो कैसे आप पता लगा सकते हैं। इसका एक ये वाला हिस्सा आगे वाला और एक पीछे वाला हिस्सा आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जो पत्ती लगी है, कैरी पत्ती से कहते हैं, जो थोड़ी फोल्ड हुई है, सुई को यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर इसका एक टैमक ये है, और दूसरा ये वाला हिस्सा जो कैरियर का है वो कहाँ जाना चाहिए, जिस सामने आप निडर पटरी का सराख देख रहे हैं इसके थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ पर सराख से थोड़ा यानी कि ऊपर अप होना चाहिए, सराख के सामने नहीं, सराख के ऊपर होना चाहिए थोड़ा। सराख के ऊपर ये वाला हिस्सा और निडर सुई, ये निडर है, ठीक है, ये निडर, यानी कि जब गाद नीचे आता है, यहाँ पर देखें, ये गौर से देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ।
ये समझे कि आपकी लीडर सुई ऊपर से आ रही है, यहाँ से पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पर सुई होनी चाहिए, यस से नजर आ रही है आप ना जी, देखिए फिर बताता हूँ, ऐसे देखिए सुई वाला हिस्सा यहाँ तक होना चाहिए, कुछ आपको समझ आ रही होगी कुछ बता देता हूँ फिर कर प्रैक्टिकल का बताएगा। ये देखें अब हम क्या करेंगे, एक ये 10 की चाबी लेंगे और इसको घुमाएंगे, नादी देखें अभी ये कैरियर का हिस्सा जो अगला वाला हिस्सा ये सिरा के नीचे है, अब इसको ऊपर करेंगे कैसे करेंगे, ये चाबी 10 नंबर की लेंगे, यहाँ पे आपने डालनी है चाबी यहाँ पर और थोड़ा सा घुमाना है, थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए आप थोड़ा सा और घुमाएंगे, घूम गया, अब देखें ये देखें पहले यहाँ पर था अब सिरा के ऊपर चला गया है, अब जो गाज न्यूटर टैमक है यानी कैरी का जो टैमक है इधर से देखते हैं उसका क्या देखते हैं, ये देखें जो मैंने आपको बताया था जो कैरी पतली फोल्ड हुई है इसका हिस्सा यानी कि देखें सुई आ गई है, इधर से इतना होना चाहिए यानी कि ये टक वाला हिस्सा यहाँ पर सुई आनी चाहिए, देखिए आ गई है आ गई, और इधर से ये पहले यहाँ पर था देखें नीचे आप ये देखें ये ठीक हो गया, जिस आपके ऊपर चला गया यानी कि आपका टैमक बिल्कुल ठीक हो चुका है, यहाँ पर आपने टैमक रखना है इधर से इतना रखना है जहाँ पर पतली फोल्ड हुई है और उधर से दूसरी तरफ यहाँ पर सराख के ऊपर हो तो आपका जो कैरियर है टैमक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी मशीन यहाँ पर सिलाई करेगी, और आपने क्या करना है आप शटर बक्स यहाँ पर लगा देना, दोबारा शटर बक्स यहाँ पर लगाएं, देखिए धागा आप फुल धागा नीचे से जा रहा ऊपर ये देखें, अब फुल ऊपर जा रहा है, पहले क्या था पहले यहाँ से धागा आता था यहाँ तक फिर वैसे ही वापस चल जाता था, अब देखें ये फुल ऊपर धागा जा रहा है यानी कि ये सिलाई करने का यानी कि निशानी होती है कि मशीन धागा उठा रही है नीचे से और टांका आपका ठीक हो रहा है, नाज़िन सिलाई मशीन का यहाँ पर मसला था ये क्रैंक नज़र आ रही है आपको, इस क्रैंक का टैमक आउट था, ये छोटी क्रैंक का इसका टैमक आउट हो जाता है, तो इसको सेटिंग करने का तरीका हमने बता दिया आपको, ये इसका ऊपर वाला टांका है, ऊपर टांका ठीक हो चुका है, ये देखें नाज़िन आज का हमारा मूल था स्किप का यानी कि छोटी जो क्रैंक है मशीन की शटर बक्स के साथ जो चलती है उसका टैमक हमने सेट किया है, और नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।